फिरोजाबाद जिले के शेखोबाद में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी हवा बनाने के लिए शुरू की गई विकास रथ यात्रा आज नगर पालिका परिषद शेखोबाद पहुंची। रथ यात्रा पार्टी निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है। इसी क्रम में शुरू हुई रथ यात्रा आज शेखोबाद नगर पालिका परिषद पहुंची, जहाँ शेखोबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रानी गुप्ता और समाज सेवी राजीव गुप्ता एवं नगर के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शेखोबाद में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी हवा बनाने के लिए शुरू की गई विकास रथ यात्रा आज नगर पालिका परिषद शेखोबाद पहुंची। रथ यात्रा पार्टी निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है और विरोधियों के लिए इन चुनावों में भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसी क्रम में शुरू हुई रथ यात्रा आज शेखोबाद नगर पालिका परिषद पहुंची, जहां शेखोबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रानी गुप्ता और समाज सेवी राजीव गुप्ता एवं नगर के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा के साथ चल रही चुनाव प्रभारी बबीता चौहान ने कहा कि यात्रा में कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमड़ा सैलाब गवाही दे रहा है कि शेखोबाद नगर पालिका परिषद कमलमय हो चुका है। अध्यक्ष पद प्रत्याशी रानी गुप्ता सहित सभी वार्डों में भाजपा प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित है। देखिए, चुनाव का टाइम है, रथ यात्रा निकाली गई है क्योंकि हम सोचते हैं रथ यात्रा के माध्यम से अगर हमारा कहीं कोई कोना, कोई नुक्कड़, कोई जगह ऐसी बची है कि जहां हम नहीं पहुंच पाए, तो शायद हम रथ यात्रा के माध्यम से अपना कुछ संदेश हम लोगों तक पहुंचा पाए। अपने प्रत्याशी की जो हमारी उनकी भावना है कि भाई हम किस संगठन से हैं, हम कौन चुनाव लड़ रहा है, क्या है, तो रथ यात्रा का मतलब यही है कि पब्लिक में एक जागरूकता लाना, पब्लिक को एक मोटिवेशन देना। तो आज का उद्देश्य यही था, जिसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि रथ यात्रा निकालने के बाद आज जो हमें जितना जन समूह हमारे साथ इकट्ठा हुआ है, जितना लोगों का हमें समर्थन आज मिला है, जितनी लोगों में खुशी की लहर दिखाई दी है, वो देख के आज बहुत अच्छा लगा कि लग रहा था कि भाई यहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए और हमारा भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनना चाहिए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह उर्फ छोटू ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, विकास कार्यों को और गति देनी है। हमारे पास कानून व्यवस्था, विकास, बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा है। अध्यक्ष पद के साथ ही हर वार्ड में जीतना है। सारी जीतेंगे भैया, इसमें उम्मीद की तो कोई बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं जैसा कि सबको इतना जन समूह सबके साथ इकट्ठा है, सारी जनता का प्यार इतना मिल रहा है, जिस जो भी प्रत्याशी जहाँ निकला, अब हमारे प्रत्याशी को भी अगर आप जाकर देखेंगे तो कम से कम एक एक टाइम में 150-150 लोग प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएँ हैं चाहे वो पुरुष हैं, तो सबका एक मिला जुला सा समर्थन, बहुत ही प्यार सबका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई संदेह नहीं है। इस अवसर पर प्रत्याशी पति राजीव गुप्ता ने कहा कि नगर में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव आहूजा, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशील यादव, ब्लॉक प्रमुख कमलेश राजपूत, नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता, अभिषेक राठौर सहित पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।